SC ST बिल संशोधन के विरोध में आज तमाम संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। CM सिटी में भी इस बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख बाजार व प्रतिष्ठान बंद हैं। हालांकि सड़कों पर यातायात रोज की तरह सामान्य है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं। तमाम दुकानदारों को अपनी दुकानों के आसपास देखा जा सकता है, लेकिन माहौल को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने फिलहाल अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे बंदी का असर देखने को मिलेगा और तब ही पता लगेगा कि CM सिटी में बिल संशोधन के विरोध का कितना असर पड़ा है। बंद है, सुबह चल रहा है, अभी चल रहा था भैया आधे घंटे पहले। बैरिकेडिंग लगी हुई है, आप बता दिया किसी के, अभी आप क्या कर रहे हैं? आज हम SC ST हरिजन एक्ट जो बनाया सरकार ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक संशोधन किया था। उसने कहा था कि कोई भी जांच अगर हो रही है तो SSP स्तर से वो जांच करा ली जाए, उसके बाद कोई कार्यक्रम किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया था कि सारे सवर्णों को एक आंदोलन की राह में झोंक दिया। हम लोगों की पीढ़ियाँ, सनातन धर्म की पीढ़ियाँ, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी को दोष है, आज 20 राज्यों में उनकी सरकार है, आज तक समर्थन करते रहे, सहयोग करते रहे, उन्होंने मिटाने का प्रयास किया है, यह मैं चलने नहीं दूंगा। हम लोग सारे सवर्ण एक मंच पर एक साथ हैं। योगी मोदी मुर्दाबाद। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध का समर्थन और उस फैसले का पर अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने के विरोध में पूरा देश भारत बंद के नाम से आज मशहूर हुआ है। और यह गोरखपुर की जनता नहीं, पूरे देश में अभी सूचना आ रही है, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, संत कबीर नगर, हर जगह, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह से मेरे पास सूचनाएं हैं। राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी मोर्चा का संयोजक होने के नाते हर जगह से हमारे पास फोन आ रहा है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, UP, राजस्थान, हर जगह पूरा भारत बंद है और यह मांग तब तक चलती रहेगी जब तक SC ST एक्ट का वह काना काला कानून केंद्र सरकार खत्म नहीं करती। अतुल चंद्र दुबे हमारा नाम है सर। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन हम लोग खुले तौर पे सरकार का नहीं कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं SC ST एक्ट को लेकर, प्लस जातिगत आरक्षण जो है, यह हमारे देश की एक कुप्रथा जो है, यह हम चाह रहे हैं खत्म हो जाए। और गरीबी के आधार पर